महाराष्ट्र में पॉलिटिकल उलटफेर के बाद अचानक से ये चर्चा तेज हो गई है कि विपक्षी एकता कमजोर हो रही है और बीजेपी विपक्षी एकता में सेंधमारी करने में सफल हो रही है। लेकिन जिस घटना को कुछ सियासी जानकार विपक्षी एकता के लिए झटका मान रहे हैं, उसी घटना को कुछ और सियासी जानकार विपक्ष के लिए एक बूस्टर डोज मान रहे हैं। महाराष्ट्र संकट विपक्ष के लिए कैसे आने वाले दिनों में फेविकोल साबित हो सकती है, आइए हम आपको बताते हैं। विपक्ष में मतभेद कम होने की गुंजाइश बढ़ेगी। 23 जून की पटना की बैठक में भले मंच पर सारे विपक्षी दल एक साथ मौजूद थे, लेकिन अपने अपने राज्य में वापसी करते ही इन दलों का मतभेद और मनभेद एक बार फिर से खुले मंच पर सामने आ गया। बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में अब बीजेपी ने जैसे एनसीपी में तोड़फोड़ मचाई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां मतभेद के साथ मनभेद भुलाकर साथ आ सकती हैं। पार्टी में टूट के खतरे को विपक्षी पार्टियां भाप गई हैं। जिस तरह बीते दिनों बीजेपी पर क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का आरोप लग रहा है और हाल ही में जैसे शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद दोनों पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से बाकी राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को एक खतरे के तौर पर देख रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो 2024 के जीत के बाद बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए और बड़ा खतरा बन सकती है। हितों के टकराव को भुलाएगा विपक्ष? केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का जिस तरह अभी भी कांग्रेस के साथ हितों का टकराव जारी है, महाराष्ट्र की घटना ने इस टकराव को एक सबक दिया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की घटना के बाद इन दलों का कांग्रेस से टकराव कुछ कम हो सकता है और इसकी एक झलक अखिलेश के एक बयान से साफ होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सवाल पर कहा कि बीजेपी के खिलाफ मिलकर कुछ करना होगा। 2024 में विपक्षी एकता किस कदर अहम हो गई है, इसका इशारा जयराम रमेश के एक ट्वीट से भी समझा जा सकता है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 23 जून को पटना में मिले दलों की अगली बैठक 17 और 18 जून को बेंगलुरु में होगी। कुछ भी हो, मुंबई ऑपरेशन ने विपक्ष के संकल्प को और मजबूत कर दिया है और यही सारी वजह है कि अब माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र संकट विपक्ष के लिए आने वाले दिनों में फेविकोल साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.